आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन अपना, ए मैन वेइंग 60 केजी इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली वेइंग 240 केजी। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, देन आफ्टर 5 सेकंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ग्राउंड इज। देखो अपनों को क्या बोला है सिचुएशन, क्या अपनी एक जो मैन है, एक अपनी ट्रॉली है, ठीक है, ये मान ली अपनी ट्रॉली है, ठीक है, और ये रेस्ट कर रही है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल जो है रेल्स पे, राइट। इस पे एक मैन है, इसका जो ट्रॉली का वेट है वो है 240 केजी और मैन का वेट है 60 केजी, ठीक है। तो ये जो अपना एंटायर जो सिस्टम है इनका जो है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जो सेंटर ऑफ मास की होगी वो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल जीरो, देन इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। अब दूसरा अपन क्या बोला है कि ये जो मैन है ये स्टार्ट करता है वॉकिंग ऑन ट्रॉली, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये अगर आगे चलेगा तो अगर अपन को सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है तो मतलब इस ट्रॉली को पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर VCOM क्या आएगा, 1 × 60, ठीक है, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलती हूँ, ठीक है, तो -240 × V, ये मान लो कुछ V वेलोसिटी पीछे जा रहा है अपना ट्रॉली, ऑल राइट, अपॉन मास ऑफ दैट 240 + 60। अब VCOM क्या, इनिशियली जीरो और F एक्सटर्नल जीरो, तो VCOM तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। सो मैं इसको जीरो कर देती हूँ, 60 − 240 × V और ये कितना हो गया, 300, ठीक है, 60 = 240 V, ऑल राइट। सो अपना जो V का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1/4 m/s, ऑल राइट। अब देखो मैं क्या करूँगी, अब अपना ये है कि भाई मान लो अब जैसे 1 m/s से चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है अपन को, ऑल राइट। तो 1 m/s से चल रहा है तो 5 मिनट में जैसे अपना क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू V × T, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। सो अब देखो इसमें क्या होगा, तो इसका 5 × 1 हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा इसको, ये जो ट्रॉली है इसी की वजह से चल रहा है तो ट्रॉली इसको पीछे भी लेके जाएगी, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा displacement is equals to जितना ये आगे चलेगा 5 × 1 माइनस पीछे ट्रॉली की जैसे जाएगा तो 5/4, सो 5 − 5/4 इज इक्वल्स टू 4, 20 − 5 विच इज इक्वल्स टू 15/4 m/s, ऑल राइट। सो अब जो वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की जो अपनी वैल्यू है इज इक्वल्स टू 3.2 m, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।